टेनिस खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी और स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। राजधानी रायपुर में एकेडमी के चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने संघ के महासचिव अनिल धूपर व संघ के प्रदेश महासचिव गुरचरण सिंह होरा विशेष रूप से पहुंचे। टेनिस खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी और स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लाभांडी के पास 2 एकड़ भूमि में एकेडमी का निर्माण भी किया जा रहा है। टेनिस एकेडमी का 50% काम पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य का जायजा लेने ऑल इंडिया टेनिस संघ के महासचिव अनिल धूपर व छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा वहां पहुंचे। इन पदाधिकारियों ने टेनिस संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अवतार सिंह जुनेजा, सचिव रुपेंद्र सिंह चौहान, सुशील बलानी, राम अवतार अग्रवाल, प्रवेश जोशी, ऋषि बंसोर के साथ ओलंपिक संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. अतुल शुक्ला ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के CEO महिपाल सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान खेल युवा कल्याण विभाग के उप संचालक प्रणव सिंह भी वहां पर शामिल रहे। अनिल धूपर ने एकेडमी के निर्माण कार्य को लेकर काफी खुशी जताई। उन्होंने प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा के कार्यों की जमकर सराहना की। महासचिव होरा ने भी राष्ट्रीय टेनिस संघ महासचिव अनिल धूपर से टेनिस एकेडमी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए टेनिस संघ अध्यक्ष और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस एकेडमी के निर्माण पर आभार जताया। ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के महासचिव अनिल धूपर जी, हमारे प्रयास से आज छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ और हम चाहते थे कि हमारा निर्माणाधीन जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आशीर्वाद से 18 करोड़ का जो स्टेडियम बन रहा है उसका निरीक्षण करें, वो आज आए और सारे कामों को देखा। कुछ कुछ बातें जो खेल हित में थी उन्होंने बताई है, उसको हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे और हम चाह रहे हैं कि ये दिसंबर तक ये प्रारंभ हो जाए। और धूपर जी यहाँ पे विशेष रूप से आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम PWD की स्पोर्ट डिपार्टमेंट के सब यहाँ पे उपस्थित है, उनका मैं धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के लिए और रायपुर के लिए टेनिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने से यहाँ के खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, कोचिंग कैंप्स लग सकते हैं और अब नेशनल और इंटरनेशनल जो बड़े टूर्नामेंट हम वंचित हो रहे थे रायपुर में कराने के लिए, उनके अभी द्वार खुल जाएंगे। रायपुर उन सारी स्टेट्स में शामिल हो जाएगा जैसे हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, जहां बहुत बड़े टेनिस स्टेडियम बने हुए हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आज छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन श्री होरा के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसको सक्सेस मिले और जल्दी से जल्दी ये स्टेडियम हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस एकेडमी के बजट में सेटअप और उपकरण के लिए 1,70,00,000 का प्रावधान किया है। एकेडमी 17 करोड़ की लागत से तैयार जहां की जा रही है, वहीं टेनिस स्टेडियम में एडमिन बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग और टेनिस कोर्ट तैयार किया जा रहा है। भूतल में वेटिंग रूम, रिसेप्शन, 2 चेंजिंग रूम के साथ 2 हॉल पार्किंग एरिया और वहीं प्रथम तल में जिम, डाइनिंग एरिया, वेटिंग एरिया और द्वितीय तल में VIP लाउंज के साथ 3500 दर्शकों के बैठने की यहां पर व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल पूर्ण रूप से निर्मित इस एकेडमी का लाभ खिलाड़ियों को मिलने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।